Through the Pauri region of Garhwal flows the river Paschimi. Winding its way past the tiny village of Nanda, where time too flows gently. The homes are built of hand-dressed stone. And when the children take their cattle out to pasture, they are embarking on a family chore as old as human settlement itself. Their families safe in the knowledge that they are protected by the goddess Bhunkal Devi. ये बहुत पुरानी परंपरा है। बुंखाल के नाम मैंने हमारे पुराणों की ऐसे चली आ रही है कि माने बुंखाल की देवी ऐसी है, माने कोई मन्नत मांगो तो पूरी होती है। मतलब वो ये होता हमारे सपने सपने में आती है, तो हमको विश्वास होता कि हमको कुछ देवी हमको कुछ कह रही है तो हमको ये देना है। देवी के बारे में क्या बताना है, बता दिया है। महाभारत के अंत में भगवती जो है कृष्ण की योग माया है और वो यहाँ आ गई चोपड़ा में, मुंडोला में। उसने ग्वाल वालों से जो है कार्यक्रम करवाया कि बागी और खादू का कान काट करके खड्डे में डालो और तब बाजे गाजे बजाओ। Some 400 years ago, legend has it, a group of children from this very village played in one of these meadows. While their cattle grazed, they dug a pit around which they danced, making offerings to it in an imitation of an adult ritual. कहानी आ कि पहल गुहर था ना, गुहर दगड़े था तो कौन खेल करे ना, खेल करे नो लाते कि बोलते नो नाचे दी वही एकदम मार खड्डा ऊंद पड़ी हवा तो खड्डा ऊंद पड़ी तो ऊन मत बटे पठाल दार दिन। तो लड़की माने किसी माने पहले पहले जमाने में छोटे में लड़की में शादी हो जाती थी, तो वो जो है माने गाय हुई चुकाने के लिए जंगल आई हुई थी, तो कहते हैं कि माने उन आपस में उन्होंने कोई उसको मार दिया था। एक गले की माला डाल के गले की वो खड्डे में डाल दी, जाओ कौन लड़की चीपे कि भाई उसी के लिए होगी वो माला। अब उसने उठाया छोटी सी लड़की जो नलाई में जिसकी मंगनी हो रही थी, बाल विवाह होता था उन दिनों, तो 10-12 साल की लड़की रही होगी, उसने छलांग लगा दी वहाँ और उन्होंने ऊपर से छिला डाल दी ग्वाल बालों ने। अरे भूल गए उसको, फिर उसकी माया ऐसी है कि वो भूल गए। अब जब वह सब लोग घर आ गए तो बोलने लगे घर वाले हमारी लड़की कहाँ है। उन्होंने कहा भाई आ रही होंगी, आ रही होगी, खोजते खोजते कहीं नहीं मिली। अब जब वो दबा दिया तो रात को उनके माँ बापों को स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ, तो घर चल गए ना। वो रात वही माँ बाप खुजा खजा तो नहीं मिलो, तो उनकी कह रही कि वो अपन माँ सुपने में चल गया कि माँ मैं देवी बैठ गया, मैं तो नहीं खुजे हैं तुम, तो वो एकदम देवी बैठ गया। और शाम को जाते समय खोला तो उसके 64 भुजाएं हो गई, कहीं आंखें हो गई, तो वो एक शक्ति का रूप धारण कर दिया उसने। उसने यह कहा कि मैं काली बन चुकी हूँ और मुझे The parents and the village elders found the pit. As they uncovered it, the stones yielded only more stones. One, a statue of Kalinka, which with due pomp they installed in a temple as Bhunkal Devi. From here, she protected all the children in the area, often calling out to warn them of impending danger. कोई लड़की भागती थी तो वो रास्ते में प्रकट हो जाती थी, अब प्रकट हो जाती थी अपना रूप बदल देती थी, बहुत
पहले के ज़माने में। अब एक टाइम जो आवाज़ दे रही थी तब तक उधर से नेपाली लोग आ गए। अब आए तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ आवाज़ किस चीज़ की हो रही है। उसने कहा होशियार हो जाओ, नेपाली लोग आ गए। उन्होंने कहा भाई नेपाली कहाँ से, आवाज़ कौन दे रहे। उन्होंने उसका एकदम धड़ काट दिया और धड़ सीधा अपने यहाँ नेपाल में ले गए और उसको उल्टा करके वहीं पर रख दिया। तो तभी तो नेपाल में इसके सिर की पूजा होती पशुपति में और यहाँ चरणों की पूजा होती। की बेटी चाहिए मेरे माता त्रिदिन ये बेतारा जन्म डाला मांगा मेरी माता तो कुना गुहर छोर लाया खाडर चाहिए दीना गुहर छोर ला मेरी माता तो कुना जा खाडर चाहिए दीन जो बाबा तीन दिन जाते हुए दिन तेरे को श्याल वाला मेरे माता आ जा उदा चाल बाबा को दिशा आनी है ना ओ गुरु बाबा ने खटियो छियो मेरे बाबा श्याल वाला। हम विश्वास था उत्तराखंड में जहाँ उसका रहने का वो होता है वो सब उसका विश्वास करते हैं और उसको बेला बकरा को काट दे। Ever since the victorious Gurkha warriors who invaded India in the 17th century carted her head off to Nepal, her voice has been silenced. But she is still said to grant people their wishes and in return demands a ritual sacrifice of a goat or buffalo. तैयारी जो है यहाँ तीन दिन से जो है माँ काली का जो है पर्व शुरू हो जाता है। लोग जो है गांव में पांडव नृत्य करते हैं और तीसरे दिन जो है हर शनिवार को तीसरे दिन शनिवार को उसकी जो है पूजा की जाती है। फिर उसको एक दिन आगे से तैयारी कर लेते हैं, रात भर उसके जागरण करते हैं, पूजा करते हैं, नाचते कूदते हैं, फिर दूसरे दिन सवेरे के टाइम पे उसको ले जाते हैं। The ritual begins at 4 in the morning with the beating of drums as the devi is said to possess the women of the village as they dance into the dawn. Village gathers to accompany the buffalo to the temple of Bhunkal, often walking 14 to 20 kilometers to get there. Bhunkal ka jo mela hai ye kareeb yahan par char patti hai, char pattiyon ke log yahan par ikatthe hote hain aur acche ganne maane log aate hain और इस देवी की यहाँ पर काफ़ी वह भूमिका है और लोग काफ़ी मानते हैं और दूर दूर से बकरी और बागी लेके आते हैं और काफ़ी महत्व है। दिसंबर मई की चरणों में जना सेवा का दाम भी जो कुछ हमसे भी भेंट पौड़ हम दीन था और हमारे रक्ष जरूर कर। मेरा लगता है लगता है सैकड़ों हजारों बकरियां काटते हैं, सैकड़ों बेला भैंसा काटते हैं और बड़ी धूमधाम से पहले अष्टबली, उसने कहा मेरी अष्टबली होगी तो उसके जो है अष्टबली होती थी। तो धीरे धीरे दो तीन बेले वहां पर मारे गए। अब बेले उसके बाद बढ़ते 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 आज जो है हज़ार के करीबन बकरियाँ मारी जाती हैं और
100-150 के करीबन जो है बेले मारे जाते हैं, और जो भी उसको मनोती करता है उसकी मन इच्छा जोरी जो होती है वो पूरी होती है। Each year, thousands respond to the call of the Devi and congregate at the Bhunkal Mela. Each year, unquestioningly, they participate in this ritual to propitiate the goddess, commemorating the victory of good over evil. उस टाइम मेरा भी था, मैंने भी इसको दिया है, मेरा भी घर में बेला था इसके नाम से, और मुझे वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही थी, मैं हिमाचल था। मैंने कहा माम जो है मेरा आन जाना तो मुश्किल है, क्या होगा, मेरे पैसे किसी को दे रखे थे, अब जब पैसे किसी को दे रखे थे तो मैंने कहा अब जाना तो है ही, चाहे कर्जा निकालो। तब तक वो आदमी शाम को आ गया, मैं सवेरे आ रहा था, उन्होंने भी वहीं से सुना कि भाई उसके पैसे देने, फटाफट कर जब, मैंने कहा कोई बात नहीं रहने दो, मैंने तो जाना ही है। तब तो यहाँ फुल तैयारी हो रखी थी, और जो भी उसको मानता है जरूर उसकी इच्छा पूरी होती है। हमने भी पूजा है वास्तव में, हमने भी एक भयंकर बाजी को लिया है, मैंने कहा इसकी माया आजमानी है। और वो इतना खतरनाक मरकु था, वहाँ के लोगों ने बाद में कहा, हमने उसकी पिटाई डाली, बागी अपने आप हमारे पीछे आ गया, कई बार भागा नीचे फिर अपने आप आ गए ऊपर। तो हमने तो उसकी माया का हमको पूरा ज्ञान है कि वो जो है बिल्कुल साक्षात है, और तभी लोग इस पर विश्वास करते हैं, नहीं तो कौन करता है। विश्वास तो ऐसा है कि जो हम उसको पुकारेंगे, हे माँ मेरी वो इच्छा पूरी होनी चाहिए सही ध्येय से। अब विश्वास का ऐसा है साहब कि आप सब लोग जब इस काम को करते हैं तो सभी मिलजुल कर सभी कर लेते हैं। अब विश्वास तो ऐसा कोई एकदम तो कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं, लेकिन मन को जिधर लौटा दो उधर तब विश्वास हो ही जाता है, एक को दूसरे को देख दूख के सबको सब विश्वास हो ही जाता है। लेकिन जहाँ पर जो सच है तो सच है, जिसका विश्वास है उसके लिए ठीक है, विश्वास ही सब कुछ है। अगर विश्वास पत्थर के लिए कह दे कि ये मेरा परमेश्वर है तो उसका वही परमेश्वर है। The demonology is familiar. Mahishasur threatened to take over the three realms of heaven, earth and the netherworld, threatening the very existence of the gods. The mother goddess fought for the survival of good. Mahishasur continually transformed himself to evade defeat, which finally came when he had taken on the form of a male buffalo. वहाँ जब मंदिर बना उसका देवाल, तो तब जैन पैदा हो गए। जैन पैदा हुए, उन्होंने राज को उसका घेर दिया, मंदिर को घेर दिया। उसका नींद खुली राज को, तब देखा उसने तो जैन निकल गया। तो वो आई वो खटका अपना अचार खटका लेके और जैनों को काटने लगे, एक को मारा 10 पैदा हुए एक कुमार के। आखिरी में आकाशवाणी से उसको बोले कि आ इनका खून पियो तब काम होगा। उसने वैसे किया, खप्पर उसके हाथ में है, मारते गए पीते गए मारते गए, तब दैंत खत्म हुए। सारे लोग दुनिया के इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर, हम भी देखते रहते हैं। मेरा तो लगता है दुकानें अच्छी लगती है वहाँ पर, सब ठीक होता है। The mela began as a social occasion where families came together from distant parts to meet and celebrate. Today, commerce is the chief attraction, with local goods being bought and sold by young and old alike. Offering a sacrifice at the Bhunkal Mela is expensive. As much as 8,000 rupees for a buffalo and 5,000 for a goat.
पूजा पाठ हम लोग बकरा वकरा चढ़ाते हैं तो उसमें काफ़ी पैसा लगता है। तो ऐसे तो हम मेले में चले जाते हैं, 100-50 रुपये ऐसे हाथ में ले जाते हैं, थोड़ा मिठाई मिठाई ले आते हैं, तो बाकी तो वैसे खर्चा नहीं होता है। पर जब हम बाकी बकरा देंगे जब खर्चा होता है हमारा। तो वो आपकी इच्छा है, माई की इच्छा है, सिर्फ पलिमी भी मान जाएगी, पत्रम पुष्पम समर्पयामी, जैसे करो तैसे मान जाती है। लेकिन वैसी वो भक्षणकारी है, जैसे महाभारत में 18 अक्षौणी दल को इसी माई की कृपा से काटा गया। भगवान कृष्ण के साथ योग माया तो थी, क्यों किसने सूर्य को ढक दिया, उधर जयंत्रथ को मारने के लिए सूर्य को ढक दिया गया था, उसी प्रकार योग माया तो कृष्ण के काम करती थी, क्यों वही तो है ये। बकरी भी करीब करीब 5,000 से के दरमियान, 4,000-5,000 के दरमियान तो बकरी होती होंगी, और बाकी 80 कभी 100 कभी 70-80-100 और भी ज़्यादा 200 तक भी होते हैं। लेकिन ये बात देखने की लायक है कि वहाँ पर इतने मारने के बाद खून का पता नहीं चलता, जितने भी वहाँ पर बागी ये बकरी मारी जाती हैं तो खून का वहाँ पता नहीं चलता है। एक तारीफ की बात यह है कि वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि अगर आदमी कोई जरा गिर गया तो खड़ा नहीं उठ सकता, लेकिन अभी तक वहाँ पर किसी पर कोई चोट नहीं आई। Some years ago, a group of social workers and religious leaders launched a campaign against the annual slaughter of buffaloes. बड़े बड़े योगेश्वर, बड़े बड़े वो सामाजिक लोग, बड़े बड़े सत्संग वाले आ गए, परंतु उसके खिलाफ की तो उसी दिन दैवी प्रकोप हुआ, मूसलाधार बारिश और बर्फ शुरू हो गई, कई लोग मर गए रास्तों में, क्यों 2-3 लोग तो मरे हैं। हाँ जी, तो ऐसा होता है कि उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, वो साधु लोग खुद ही बाहर नहीं आ सके, वो राणा था ना, वो भी बाहर नहीं आ सका। हुआ नहीं है साधु लोगों को, जो मैंने साधु भक्त लोग आए थे एक समय में, वो बताया मैंने, उनकी मनीषा पूरी नहीं हुई, देवी ने अपनी मनीषा पूरी करी, उनने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सका, उन्होंने रिकॉर्ड नहीं कर सका, उसकी ऐसी शक्ति हुई, बारिश शुरू हो गई। हम लोग कहते हैं, हमारा कहना है कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हुआ बुधा, हमको क्या आप टारगेट बना रहे हो, हमको कोई मतलब नहीं, ना हम किसी को उकसाते हैं कि तुम पूजा करो ऐसे बलि करो, और ना हम किसी को बोलते हैं कि मत करो, जो करेगा सो भरेगा। पेपरों में भी आया, बहुत कोशिश की वैसे गवर्नमेंट ने इसको रोकने की कि भाई बलि न की जाए। हमारी राय यह है कि जैसे पुराने से चली आ रही है चीज़ें, तो हम कहते हैं ठीक, जो नई पीढ़ी है माने उस चीज़ को समझें कि माने जो बलि प्रथा है इसको जो है माने रोकनी चाहिए। मन्नत तो दूसरी तरह से भी, अगर वो देसी घी का हवन करे, वहाँ पर हवन करे, पूजा पाठ करे, तो देवी खुद ही मान जाएगी, तो ये तो कोई देवी ने कहा नहीं होगा कि मुझे बलि दो, वो जमाना तो गया, पर हो सकता है अब किसी अपने अपनी समझ की बात है। मैं तो ये मानता हूँ, सोचता हूँ कि देवी वैसे ही मान जाएगी, क्योंकि आप माने ये पीछे का युग तो रहा नहीं, अब नया युग है, हर लोग समझदार हैं, हर चीज़ समझते हैं कि माने बलि दे के माने देवी माने और चीज़ से भी देवी खुश हो सकती है, जैसे भंडारे हो गए, कोई सिरपल चढ़ा दे। अब बोलते हैं पुराणों का कि कोई देवी का प्रकोप है, देवी माता का कुछ है, अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, शक्ति भी थी, शक्ति है, ऐसी बात नहीं जो देवी में नहीं है,
शक्ति तो है, लेकिन अब बिना बलि का हम तो सोचते हैं जो देवी है तो बिना बलि की भी मान सकती है। वैसे ठीक तो बलि की तो वैसे ठीक तो नहीं लगती है, लेकिन जब उन बैलों को काटते हैं उसकी बुरी दशा होती है तो उसको देख के बहुत दुख होता है। मुझे तो बहुत दुख होता है क्योंकि अगर देवी पूजा भी है तो उसको ढंग से किया जाए सब सही है, लेकिन उसकी बड़े बुरी तरह से मारा जाता है, काटते हैं फेंक देते हैं जंगल में, किसी काम तो आते नहीं, बेमतलब होता है। पूजा से दो चार महीने पहले अगर वहाँ बंदोबस्त हवन रेग हो जाए, कोई लोग आ जाएँ समझा जाएँ तब हो सकता है। अब प्रशासन आता उसी टाइम करता है जिस टाइम की लोगों के बागी बेले सब चढ़ जाते हैं, पूजा मन्नत हो जाती है, लाख रुपये खर्च आता है उस टाइम करते हैं। इससे पहले ही इसका इंतजाम होना चाहिए कि ताकि लोग समझें माने खर्चा न करें। नहीं कोशिश तो हमने तो नहीं की, तो मतलब समूह बने, अब जो समूह बना रखे हैं जैसे जो कोई भी धर्म संस्थाएँ हैं ये प्रचार करती हैं, तो माने हम तो ये प्रचार करते नहीं, हम तो खैर अपने टाइम नहीं है, प्रचार संस्था ही कर सकती है। वैसे संस्था समझाएगी माने लोगों के दिमाग में चीज़ आएगी तब जाके ये बंद हो सकती है। ऐसा तो मैं समझता नहीं इस बात को कि किसी ने बलि ना दी हो और तो उसके साथ बुरा हुआ हो, ये तो मेरे समझ से बाहर की बात है। हाँ अगर कोई समझता हो अपने अपनी समझ की बात है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि बलि कोई ज़रूरी नहीं कि बलि ना दी और उसके साथ में बुरा हुआ हो। वैसे बंद करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई बंद किया जाए, बलि ना की जाए, दूसरे के बच्चे को माना हमारा अपने भी बच्चे हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या है परंपरा बनी हुई कि भाई देना है इसको। मैं तो ये सोचता हूँ वहाँ, मैं तो एक दफा जी एम साहब आया तो उसने बोला था कि प्रशासन वहाँ सख्ती करे समझाए, नहीं मानते तो और तरफ समझाए। Whether in a distant Himalayan village or in a sprawling metropolis, the dimensions of faith cannot be fathomed. To eradicate it, some would believe, is to alter the very nature of humanity. But does it need to take such a grisly avatar? Does the survival of universal good depend on the blood of cattle?